तो वो तो खैर एक अलग टॉपिक है वीडियो बनाने के लिए तो उसके ऊपर तो बाद में हम डिस्कस करेंगे पर अभी जो पहली चीज़ निकल करके आती है वो तो ये है कि हमारे मतलब बहुत सारे ऐप्स बैन हुए हैं जो मतलब रेगुलर यूजेज़ में आ सकते आते थे जैसे कि कैम्प स्कैनर ले लो आप डब्ल्यू पी एस ऑफिस वगैरह हो गया और ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो रेगुलर यूजेस में आते थे पर वो बैन हो चुके हैं तो अब हम बात कर रहे हैं कि अब क्या करें तो इसका सवाल सिंपल है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आपके लेकर के आए जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं उन चाइनीज़ एप्स के ऊपर जिससे कि आप अपने इंडिया को या फिर और किसी भी कंट्री को प्रमोट करने के लिए तो बिना टाइम वेस्ट के अपने ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर जंप करेंगे सीधे सीधे तो लेट्स बिगिन द वीडियो तो यार जो पहला आप निकल करके आता है वो तो पहला ऐप हमारा बेसिकली हमारा कैमरा ऐप है तो हमारा जो स्वीट सेल्फी था वो बैन हो चुका है तो उसकी जगह पर क्या इस्तेमाल करें क्योंकि स्वीट सेल्फी में बेसिकली बहुत सारे फिल्टर्स अवेलेबल होते थे तो लोग उससे मतलब कि अच्छे खासे सेल्फीज जा आ जा जा जाती थी पर आप उसके ऊपर पर मैं सजेशन दूँगा कि आप बी बीसिक्सिक्स वन टू इस्तेमाल कर सकते हो और आप अपना कैंडी कैमरा भी यूज़ कर सकते हो दोनों बहुत ही अच्छे कैमराज है और मैं तो आपको प्योरली सजेशन दूँगा कि आप जी का इस्तेमाल करें वो बहुत ही अच्छी फोटोज़ ले लेगा आपकी अगर आपने जीकेम वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप इधर आई बटन पर क्लिक करके आप कहीं पर भी आएगा वहाँ पर आप चेक कर सकते हो वीडियो को तो आप उसको यूज़ करना तो फिलहाल के तो बी सिक्स वन टू और कैंडी कैमरा उसका है इसमें सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं तो अब जो हमारा अगला ऐप निकल करके आता है वो जो हमारा बैन हुआ था वो एक कैम स्कैनर करके ऐप था जो एक डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप था जो बैन हो गया था मतलब अभी रिसेंटली बैन हुआ है तो अगर कैम स्कैनर की बात करें तो उसके लिए तो आपके पास एक सजेशन आता है कि आप एडोबी स्कैनर यूज़ कर सकते हैं जो ऑफिशियली एक एडोब का एप्लीकेशन है वरना अगर मैं आपको बताऊं तो आजकल के जितने भी फोन आ रहे हैं जैसे कि म्यू ए का इस फोन में अपडेट आया था ये पोको एक्स में तो इसमें मतलब कि अगर आप मैंने अगर कैमरा आपने इसका टेस्ट देखा होगा तो उसमें कैमरा म्यू ए का जो अपडेट वाला आया है उस वीडियो में आप जाकर के चेक कर सकते हैं उसमें कैमरा में नए फीचर्स आए हैं उन फीचर्स के हिसाब से उसमें एक डॉक्यूमेंट स्कैन करने का अलग से एक फीचर दिया गया है तो अगर आपके फोन में इनबिल्ट है अपडेट के साथ अगर आ जाता है तो दैट सेल एंड गुड वरना आप एडोबी स्कैन यूज़ कर सकते हो क्योंकि एडोब का बहुत ही वेरीफाइड सॉफ्टवेयर है तो उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा तो नेक्स्ट जो हमारा निकल करके आती है कैटेगरी वो हमारे ब्राउजर की कैटेगरी में तो ब्राउजर में बहुत सारे ब्राउजर्स थे एपस ब्राउजर एपस के तो सारे ऐप्स बैन हो चुके हैं तो एपस ब्राउजर था और मतलब ऐसे तीन चार ब्राउजर्स थे जो बैन हो चुके हैं यूसी ब्राउजर यूसी मिनी ये सारे ब्राउजर्स बैन हो चुके हैं तो आप ब्राउजर के लिए क्या इस्तेमाल करें तो आप ब्राउजर के लिए मेरा सजेशन तो आपके लिए साफ रफ रहेगा कि आप अपना क्रोम ब्राउजर यूज़ करें वो बेस्ट ब्राउजर है मेरे हिसाब से वरना आप मोज़िला फायरफॉक्स भी यूज कर सकते हैं बट क्रोम में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं मतलब गूगल का एक लिंक मिल जाता है आप अपना गूगल आई से लॉग करो और मतलब पूरा कनेक्टिविटी मिल जाती है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्रोम ब्राउजर यूज़ करें तो जो हमारी अगली ऐप की कैटेगरी है वो हमारी क्लोन ऐप से रिलेटेड है मतलब कि जो ऐप क्लोनर जो पैरल स्पेस था बेसिकली जो जिसको पैरल स्पेस के नाम से जानते थे मतलब आपको मल्टीपल आईडीज एक ही फोन में यूज करनी है चाहे वो गेम की हो या फिर आप किसी सोशल मीडिया की बात कर लें बहुत सारे लोगों का काम आता था ये लेकिन अब वो भी बैन हो चुका है क्योंकि वो भी एक चाइनीज ऐप था ऐप था तो अब उसका जो अल्टरनेटिव निकल के आता है वो हमारा एक क्लोन ऐप करके आता है एक ऐप प्ले स्टोर पर ये सारे ऐप्स आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे बाकी मैं एक बार लिस्ट दे दूंगा नीचे फिर लिंक भी दे दूंगा इन सारे ऐप्स का आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं क्लोन ऐप करके आता है ये ऐप भी बेसिकली सेम काम करता है उसी की तरह इसका सिक्सटी फोर बिट वर्जन आपको अलग से कुछ केबीस का डाउनलोड करना पड़ेगा तो जो हमारे अगली कैटेगरी निकल के आती है वो बेसिकली आपके बहुत पॉपुलर ऐप्स है जेंडर और शेयर जिनका नाम मतलब हर फोन में ऑलमोस्ट इंस्टॉल रहते हैं जेंडर और शेर क्योंकि शेयरिंग के लिए बहुत एक अच्छा सॉफ्टवेयर था जो मतलब जिससे आप शेयर कर सकते थे पीसी में भी आप शेयर कर सकते थे तो इसका जो अल्टरनेटिव निकल के आता है वो बेसिकली हमारा फाइल्स है इसका भी सोल्यूशन गूगल के पास है गूगल का जो फाइल्स ऐप है उसमें मतलब हर चीज़ मिल जाएगी आपको आप शेयर कर सकते हो आपका एक फाइल मैनेजर की तरह भी काम करेगा आपका जो एक मतलब ऐप क्लीनर करके ऐप था जो एम के फोन में आता था जो अभी अपडेट कर रिमूव हो चुका है आप उसकी भी जगह पर उसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो आपका जंक फाइल्स को भी क्लीन करने में हेल्प करता है तो एक बहुत ही यूजफुल ऐप फाइल्स बाय गूगल ऐप इसको भी गूगल का प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा तो जो अगली कैटेगरी निकल के आती है वो बेसिकली वीडियो एडिटिंग के लिए थी जो हमारा वीडियो एडिटर ऐप्स थे जैसे कि वीवा वीडियो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था लोग उसे बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते थे अपने वीडियो एडिटिंग के लिए क्योंकि उसमें फीचर्स मिल जाते थे इफेक्ट्स मिल जाते थे पर मैं आपको उसके ऊपर रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा काइंड मास्टर यूज कर सकते जो हो जो काइन मास्टर है वो बहुत ही एक प्रो लेवल वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन आता है फोन के लिए उसमें आ, मतलब हर फीचर आपको मिल जाएगा बिल्कुल एक मतलब डेस्कटॉप एक्सपीरियंस आपको मतलब उतना तो नहीं पर बहुत अच्छे तरीके से दे देगा उसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं टैग हटाने मतलब के लिए तो जो अगली है, आपकी कैटेगरी निकल के न्यूज से रिलेटेड जो हमारे यूसी न्यूज था और दो तीन और न्यूज के अपलिकेशन थी वो भी बैन हो चुकी तो फिर से यार गूगल के पास इसका भी सोल्यूशन है आप गूगल न्यूज इंस्टॉल कर लीजिए आप उसमें आराम से न्यूज पढ़ सकते वरना आप जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूज चैनल को फॉलो करते हैं फिर देखते हैं तो आप उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए फिर यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए वहाँ पर आपको न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी हिंदी न्यूज़ में वो भी और इंग्लिश दोनों में वरना एक इन शॉर्ट्स करके एक ऐप है मतलब ये भी बहुत एक अच्छा ऐप है सिक्सटी वर्ड की लिमिट में आपको एक न्यूज़ का एनालिसिस करके पूरा बता देते हैं कि क्या डे डेप्थ है उस न्यूज़ की और बहुत ही मतलब सिंपलिस्टिक सा जैसे आप इंस्टाग्राम स्ट्रोल करते हैं आप वैसे ही इसको स्ट्रोल कर सकते हैं पूरा मतलब स्टोर करते हुए चेक कर सकते हैं न्यूज़ तो जो ऐप की हमारी अगली कैटेगरी निकल के आती है वो है बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग को लेकर के तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा इशू था बहुत सारे लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स को यूज़ करते थे जो तो चाइनीज़ एप्स थे तो गवर्नमेंट ने उनको भी बैन कर दिया है तो एक तो उसमें से आपके बहुत सारे पॉपुलर ऐप्स भी थे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए ड्यू वगैरह के जो आते थे ड्यू स्क्रीन रिकॉर्डर और डी के तो पता नहीं कितने एप्स बैन हो चुके हैं तो आप उसके ऊपर एक तो आप अपना सिस्टम का जैसे मी वाई है फिर अभी एंड्रॉड एलेवन भी जो आने वाला है उसमें आपका सिस्टम का स्क्रीन रिकॉर्डर आने वाला है वैसे टेन में भी है शायद अवेलेबल पर उसमें कुछ फीचर्स कम है तो एलेवन में तो आपका बेसिकली अपना सिस्टम स्क्रीन रिकॉर्डर आ जाएगा तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है और अगर आप एंड्रॉयड टेन से नीचे एंड्रॉयड नाइन पर हो फिर उससे नीचे एंड्रॉड वर्जन पर हो तो आपके लिए मतलब ये एक ऐप है स्क्रीन रिकॉर्डर करके है स्क्रीन रिकॉर्डर नो एड्स करके इसका नाम है मैं भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको चेक कर लेना ये भी एक बहुत ही अच्छा ऐप है मतलब इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे तो जो अगला हमारा ऐप निकल के आता है वो बेसिकली कोई कैटेगरी नहीं है एक सिंगल ऐप था जैसे कि जिसका नाम टिकटॉक है तो वो बैन हो चुका था तो बहुत पहले बैन हुआ था तो उसके बैन होने के बाद मतलब बहुत ज्यादा सनसनी सी फैल गई लोगों को ऐप चाहिए था जिससे वो मतलब आ, अपना टिकटॉक बना सके तो अब लोगों को कुछ ना कुछ तो खैर क्या ही करें कुछ कह नहीं सकते अरे टिकटॉक तो आगे अगर इसके ऑल्टरनेटिव की बात करें तो उसका ऑल्टरनेटिव मतलब बहुत सारे निकल करके आते हैं जैसे कि एक ऑल्टरनेटिव आप एम एक्स टका करके आता है मोजो आता है जोश आता है इसके नाम याद करने में बड़ी दिक्कत हुई थी जोश और मतलब ऐसे एंडलेस ऐप्स हैं अगर आप सर्च करोगे टिकटॉक सर्च कर दो प्ले स्टोर के ऊपर जा करके तो आपको मतलब पूरी लिस्ट आ जाएगी उन सारे ऐप्स की जिससे आप उसके रिप्लेसमेंट भी यूज़ कर सकते हो दुनिया इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि अब सीमेंट इंस्टाग्राम ने निकाल दिया यार आपके लिए रील्स का फीचर निकाल दिया आप इंस्टाग्राम पर जाओ अपना गाना चलाओ और अपना मुजरा शुरू कर सकते हो Laure, के रील्स आ चुके हैं आप उसे यूज कर सकते हो तो आपको और किसी ऐप की जरूरत ही नहीं है अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो बस वहीं आना और अगर इंस्टाग्राम पर हो तो हमें फॉलो भी कर लेना प्लीज जाकर के इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर भी फॉलो कर लेना तो यही था हमारे सारे ऐप्स का यार जो रिप्लेसमेंट हो चुके हैं जो टिकटॉक और को मिला करके जो ऐप्स बैन हो चुके हैं वो ऐप्स तो बैन हो चुके हैं है, तो अब उनका तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन जो मैंने आपको ऑल्टरनेटिव बताया आप इन्हें प्लीज इस्तेमाल करना और इनका रिव्यू भी बता देना कि मतलब कैसे लगे आपको ये ऐप्स तो यार यही थी आज की इस वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना सारे दोस्तों के साथ जिस जिसको भी ऐप ऑल्टरनेटिव ढूंढने में दिक्कत आ रही है और अपने कमेंट जरूर अपने विचार जरूर प्रकट करना कमेंट बॉक्स में और चैनल को तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सी यू बाय बाय